मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती, कांग्रेस के वचन पत्र के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने सर्वप्रथम किसानों की कर्ज माफी को प्राथमिकता दी है और इसी के चलते कुछ ही समय में किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरी निकायों में ऋण माफी के प्रपत्रों का वितरण किया जा रहा है। खंडवा जिले के पधाना जनपद पंचायत अंतर्गत जय किसान फसल ऋण माफी के फॉर्म कुछ ग्राम पंचायत सचिवों ने नहीं भरे। ऐसी लापरवाही बरतने पर 3 पंचायत सचिव को निलंबन कार्रवाई हेतु पधाना मुख्य कार्यपालन अधिकारी DS राठौर ने CEO जिला पंचायत खंडवा को प्रस्ताव भेजा है। कमलनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के हित में उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनको बार बार बधाई देता हूँ कि जो आत्महत्या कर रहे थे किसान लोग, उनसे मुक्त हो गए हैं। कितना कर्जा का माफ हो रहा है? 2 लाख तक का कर्जा माफ हो रहा है। ये कब तक का हो रहा है? ये दिसंबर से। ऐसा है कि माननीय SDM साहब गए थे दौरे पे और मैं भी दौरे पे कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार प्रत्येक पंचायत में दौरा करके और जो कमी पेशी है उसकी पूर्ति करा के तत्काल फार्म का डिस्पोजल कराया जाना है। मैंने देखा है कि ग्राम पंचायत आपके सुल्तानपुर कोठी एंड खिराला और बलरामपुर में सचिव पहुंचे ही नहीं है या हमने मनमाने तरीके से अनाधिकृत रूप से अवकाश पे चले गए। ऐसी दशा में तत्काल प्रभाव से निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय मुक्कापनागर जिला पंचायत को मैंने प्रस्तुत किया है। उसका मेन कारण ये है कि चूंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना ऋण माफी योजना जो अभी वर्तमान में चल रही है, जिसका नाम बदल के जय किसान ऋण माफी योजना दिया गया है, जिसमें जो बैंकों की सूची डिफॉल्टरों की या जो जिन लोगों को ऋण माफी होना उनकी सूची पंचायत में चस्पा करके उनके फॉर्म भरने की कार्रवाई चल रही है, तो वो कार्रवाई करने में वो लोग मौके पे मिले नहीं है, यानी वो लापरवाह है और वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबन का प्रस्ताव मैंने जिला कार्यालय प्रस्तुत किया।